जय हिंद एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है ये स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा आलस होता है, प्रोकास्टिनेशन की आदत होती है, या फिर रिटेंशन पावर वीक है, या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो कई बार बच्चों का ये क्वेश्चंस भी रहता है कि सर, जब हम अपनी ये एनडीए की जो प्रिपरेशन जर्नी है इसको हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, मतलब कि एक ड्रीम आपने देखा और इस ड्रीम को अपने एम तक पहुंचाने के बीच की जो जर्नी होती है, ओके, इसमें आपका रिटन के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फिर या आप एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका मेडिकल हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों में जो आपको एक बड़ी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ पे कितना एक्सरसाइज आपको दिन में करना चाहिए कि आप फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें। तो नॉर्मली कई बार क्या होता है, बच्चा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को फिर फेस करनी पड़ती हैं। जैसे नॉर्मली नॉकनी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, नॉर्मली बच्चे का वेट ओवर हो जाता है, मेडिकल्स में फिर वो प्रॉब्लम होता है, या फिर बैठे बैठे और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ओके, फैट ओवर फैट होने लगता है, बॉडी का जस्चर पोस्चर खराब होने लगता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें, मतलब हम कैसे अपने इस जर्नी के साथ मेंटेन करें, तो कुछ मिनिमम एक्सरसाइज जो आपको करते रहनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी, और जितना बॉडी फिट रहती है उतना ही आपका मेंटली भी आप फिट रहते हो। कहते ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, मतलब इफ योर बॉडी इज फिजिकली फिट देन आपका माइंड भी सही चलेगा, अदरवाइज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, रिटेंशन पावर वीक, एंड ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। तो आपको क्या करना है इसके लिए कि अपने दिन का 30 से 40 मिनट्स, अभी आप बहुत ज्यादा नहीं, ओनली 30 to 40 मिनट्स आप दिन का निकालिएगा, चाहे फिर वो आप मॉर्निंग में निकालो या फिर वो आप इवनिंग में निकालो, ओके। देखो कई बार बच्चा क्या होता है, दे प्लान कि यार पहले ये कर लूँ बाद में करेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लूँ ये, बट ये क्या है, एक डेली रूटीन का काम है ये। जैसे खाना क्या रोज खाते हो ना, ऐसे नहीं हो सकता ना कि एक बार सेलेक्ट हो लूँ फिर एक साथ खाना खाऊंगा, तो ये बॉडी की नीड आप इसको समझो, क्योंकि कई बार जब बच्चा पढ़ता है उसको लगता है कि यार इसमें टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आप ध्यान रखना ये टाइम वेस्टेज नहीं है, जब आप इसको रेगुलरली बेसिस पे करते हो ना तो इससे प्रोडक्टिविटी आपकी इतनी बढ़ जाती है कि अभी जिस चीज़ को आप 5 घंटे पढ़ के समझ पा रहे हो फिर उसको आप 4 से 4.5 घंटे में आप कवर कर लोगे, क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो इतनी बढ़ जाएगी, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा, रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। तो कम से कम ये चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में, मतलब 30 से 40 मिनट का या मिनिमम 30 मिनट का टाइम आप निकालिएगा जो आपको एक्सरसाइज के लिए देना है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ओके, आप जॉगिंग कर सकते हैं, और नहीं तो जॉगिंग के साथ साथ आप क्या है, शॉर्ट रनिंग आप कर सकते हैं। शॉर्ट रनिंग का मतलब, अब जैसे मैं बता दूं कि आपको रनिंग करना है तो रनिंग भी इतना नहीं करना है कि आप 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर भाग रहे हैं, फिर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको फिजिकल थकावट होगी और फिर आप सो जाएंगे। तो इतनी एक्सरसाइज आपको करनी है कि आप फिजिकली भी फिट रहें और आपको बॉडी में थकान भी ना हो, ओके। तो इसके लिए आप, ठीक है, 1 किलोमीटर तक 1.5 किलोमीटर की रनिंग आप कर सकते हैं, 400-800 मीटर, 2-3 चक्कर भी आप मिनिमम लगा लेंगे तो दैट इज सफिशियंट फॉर यू, मतलब एक आदत आपको बनी रहेगी। आगे चल के कई बार बच्चों को फिर प्रॉब्लम होती है ट्रेनिंग के टाइम पे, ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं, तो ये आप कर सकते हो, ओके। या फिर जैसे बहुत सारी ठंड है अभी, है ना, वैसे ठंड कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ये तो मतलब आप लोगों का एक सिर्फ ये है कि सर ठंड का बहाना है, बच्चों को लगता है कि सर ये यहाँ से हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो कम से कम स्टूडेंट लाइफ में आपको दिन में एक टाइम आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, मतलब मेडिटेशन को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होगा, अच्छा जॉगिंग और शॉर्ट रनिंग का क्या फ़ायदा होगा कि आपको जब आप रनिंग वगैरह छोड़ देते हैं तो नॉकनी की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है,
क्योंकि जो हमारा लेग होता है, लेग की जो बोन्स होती हैं, जब उनको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती है तो मूवमेंट क्या होने लगता है, अलग तरीके से होने लगता है, फिर नौकनी आने लगती है और नौकनी को फिर ठीक करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, दूसरा वेट बढ़ने लगता है। ओके, तो ये करते रहोगे ना डेली डेली तो आपको जॉगिंग और शॉर्ट रनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ आप अपने दिन में ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का, 15 मिनट तो बहुत होते हैं आप कर ही नहीं पाओगे, 5 मिनट का आप मेडिटेशन जरूर करिएगा। मेडिटेशन जरूर नहीं कि सुबह उठ के 4 बजे ही करो, आप जब टाइम मिलता है, आपको लग रहा है आप दोपहर में 2 बजे फ्री हो, 2 बजे कर लो, बैठ जाओ शांत से कमरे में, शांत सी जगह बैठ जाओ और कुछ नहीं करना मेडिटेशन में, जस्ट इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। मेडिटेशन इज द रिपेयरिंग ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, द टू बिग बिग बेनिफिट ऑफ, कि इससे आपकी सबसे पहले डिस्ट्रेक्शन कम होगा, ये जो डिस्ट्रेक्शंस होते हैं ना, ओके, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रेक्शन आपको होते हैं, स्पेशली बॉयज की मैं बात कर रहा हूँ, आपको डिस्ट्रेक्शन ज्यादा होते हैं। ओके, किसी को सोशल मीडिया के लिए डिस्ट्रेक्शन है, किसी को और ज्यादा डिस्ट्रेक्शन है, अपोजिट सेक्स में डिस्ट्रेक्शन होता है, तो इसके लिए व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेशन तो आपको क्या होता है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कम होने लगती हैं, बिकॉज यू हैव कंट्रोल ऑन योर आइडियाज, मेडिटेशन से कंट्रोल आता है। दूसरा, इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। अभी क्या होता है बच्चों के साथ कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं पर आज पढ़ते हैं तो अगले दिन ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है, भूल जाते हैं, तो इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। उसके बाद यदि आप जॉगिंग नहीं कर पाते हैं तो आप योगा भी कर सकते हैं, योगा इज ऑल्सो ए गुड, ठीक है, इससे आपका कार्डियो ठीक रहेगा, बॉडी ठीक रहेगा। तो अपने दिन के 30 मिनट, मैं कह रहा हूँ 25 से 30 मिनट आप यदि देते हैं तो आप देखना कि विद इन द 10 to 15 days आप अपने एक अंदर एक चेंज देखने को मिलेगा आपको, मतलब एक अलग से अंदर के बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर आपको देखने को मिलेगी, व्हेन यू फील दैट कि यार अब मजा आ रहा है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आप 2-2 घंटे 2.5 घंटे विदाउट एनी डिस्ट्रेक्शन आप पढ़ सकते हो, कंसंट्रेशन बनेगा इससे। ओके, सो गाइज मुझे लगा तो मैं ये वीडियो इस पे बना रहा हूँ, व्हाट आई फील, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है और यदि आप इसको करते हो तो विद इन 10 to 15 days यू विल कम बैक टू मी एंड देन से सर इसका मतलब चेंजेस मुझे देखने को मिल रहा है, तो जरूर करो और जब ऐसा करोगे तो फिर आपको इससे काफी सारे बेनिफिट होंगे और आपकी रिटिन की प्रिपरेशन भी इससे बेस्ट होगी, बिकॉज आपका माइंड चलेगा, माइंड चलेगा तो आपको सारी चीजें होंगी। उसके साथ एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट स्पेशल क्लास आपकी चल रही है डेली 12 बजे, और जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की कर दी है, तो प्लीज डोंट मिस द स्पेशल क्लास। इफ यू आर न्यू ऑन अनअकैडमी, ज्वाइन द अनअकैडमी लर्नर ऐप, फॉलो एन एडुकेटर, एडुकेटर की प्रोफाइल पे ऐसे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप फॉलो करके रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। इफ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय यूजिंग द कोड SS30। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।